समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगण हमारे दया करो किस मेहर उपाव हो डुबद पत्थर तारे जी अड़ा अगन बराबर तपे पीतर वग काती प्रणवत नानक हुकम पशाण सुख हो वै दिन राती कहाँ बोध प्राप्त उच्छ हमारी वर्णन सके महिमा जो तिहारी हम न सकत कार सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कार सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी वाहिगुरु जी हुकम संजोगी गाढ़ दस द्वार पंच वस है मिल जोत अपार आप तुले आपे वणजार नानक नाम सवारन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। परम सन्मान योग तख्त चावर शतर दे मालिक दो जहान वाले कुल आलम सुल्तान पातशाह धन धन श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जियो महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र गुरधाम विखे अमृत वेले दे दीवाना दी हाजरी भर रहे गुरु जस सरवण कर रहे गुरु खालसा साध संगत जियो वड भागे हो जो नेता प्रति नेम प्रेम अनुसार हाजरियां भर दे हो साहिब सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर दे हो गुरु महाराज कृपा कीती अमृत वेले दीदार बख्शे गुरबाणी दे प्रवाह बख्शे कीर्तन जस वडियाईयां होईयां उपरंत जो अमृत रूप कथा विचार बाबत समा बख्शिया पातशाह वल्लों बख्शे समय दी संभाल करी जगत मालक धन श्री गुरु नानक साहिब महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी महिमा फरमाउंदे ने कि हर कुछ उस वाहिगुरु दे हुकम विच है
हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। सारा पसारा कायनात बंतर ब्रह्मांड रचनात्मक क्रिया उस वाहिगुरु जी दे हुक्म विच है जी। जैसा उहदा हुक्म है उहो जिहा वर्तारा वरती जांदा है। जीव जे आखे ना भी मर्जी नाल मैं कर रहा ना, वेखो हंकारियां नू हंकार विच परिवर्त करना ए भी ते ओदी खेड़ी है। फिर अपने प्यारियां दी राखी करनी ए भी ओदी खेड़ी है। फिर प्यारे वास्ते ना करने जो खेड़ कर देनी ए भी ओदी ही खेड़ है। इसे करके जगत मालक गुरु नानक साहब कहंदे ने भाई दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत, के रात अर दिन दोवें दाई अर दाए दी न्याई ने, खड़ावी अर खड़ावे दे न्याई ने, सारा जगत इहदे खेल विच खेली जांदा है खेली जाता है। ये वाहिगुरु का खेल ही ऐसा बनाया, तो खड़ाउण वाला भी आप ही है। जे ना खड़ावे तो जीव खेड भी किवें सकदा। संसार चलाउण वास्ते माया की पसारा बनाया है, मोह माया दा जाल बनाया, संसार पिया चलदा जी। एहो एहो जी उलझन ताई बनाती कि इहदे विच ही खचत होया रहो, इहदे विच ही खचत होया रहो। ओ झूठे मोह खेत दे विच ही इथों तीक खचत करता जी जीवन नूं, के मोह दे विच बद्धा होया धर्म करम वाले पासे तीक सोचदा तक। ऐसा वाहिगुरु जी दा हुक्म वरतदा है, एहो जिहा खेल वरतारा वरताउंदे ने परमात्मा जी, कि खेड ही समझो बाहर हो जांदी है। उस निरंकार दियां ऐसियां वडियाईयां ने नहीं कोई अंत पा सकदा। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दसम दी बाणी अंदर फरमाउंदे ने भाई उह ते एडा बेअंत है, उहने पता नहीं कितनी वार किहो किहो जी रचना साजती। सतगुरु जी ते बचन कीता राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, एक शिव भय एक भय एक गए, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, भी कैसी रचना उदी अंत कोई नहीं। किन्ने किन्ने अवतारी पुरुष किन्नी किन्नी वार हो गुजरे, उदी खेल क्रिया ही ऐसी है अंत कोई नहीं। एक बार हनुमान जी 52 वीरां विचों वीर ने, रामचंद्र जी जो बनवास मिलिया है ना 14 साल का, ते जंगल दे विच समा कटिया, एक दिन आप दी अंगूठी ला के दिती हनुमान नू, थां दसिया भी आ थां इत्थे पहाड़ दे ओले भी एक छन बनी हुई है, उहदे च एक माता बैठी है सियाणी उम्र दी, उहदे कोलों आटा लिया,
गफा पानी बना के छकते हूँ। अंगूठी लई मन च फुरने कई तरह के पैदा होंदे जान हनुमान जी दे वी वाह बई वाह समय दे अवतारी पुरश की अंगूठी मिली है। पता नहीं किड्डी कु सुभागी माई होवेगी जिन्हों ये प्राप्ति होनी है। इहो जे वलवले इहो जे सवाल फुरने बनते जान ते जो थान दसिया सी पहुंच भी गए पहुंचे। अगों जा के जो चित विच सोचते जाते सन ओह जे ढंग नाल ही बोल बोलिया। माता रामचंद्र जी ने आ अंगूठी भेजी है, अंगूठी रख लो ते आटा दे दो, उन्हां प्रशादा छकना है। हुण माई सुनते लिया कहन लगी भाई इउं कर कुछ छिण खड़ो जा तेरा कारज हुणे कर देने कुछ छिण खड़ो जा। खड़ गया जी, मन विच सोच पैदा होगी मना समय दे अवतारी पुरश ने दुनिया भगवान कह के पूज दी है, उन्हों का तो नाम जिधर लईदा दुनिया खड़ी हो जाती है। ये माई ने गौलिया तक नहीं कुछ, ये माई ने गौली गौली नहीं गल कोई, चलो कुछ छिण खड़ो जाने। थोड़ा समा रुकिया वेख रहा है भी माता चक्की हाथ नाल गेड़ी जाती है, आटा निकली जाता है, चक्की चलाई जाती है, होर कोई दूजी गल नहीं, कोई होर बंदा नहीं आके कोल खड़ोता भी जिन्हों पहला आटा देना होवे जां कुछ होर करना होवे जां कुछ होर विचार करनी होवे। कुछ छिण खड़ो के कहन लगा माता रामचंद्र जी ने अंगूठी भेजी है। ते आ ले लो आटा दे दे। अगों माता बोली भी भाई जे तू बाला ही काला है ना इउं कर मेरे कोल उठन दा वक्त नहीं। ओ एक खूंजा विखाता भी उस खूंजे विच अंगूठी सुटिया ते इत्थे आण के आप ही आपदे बुकां दे नाल आटा तैनूं दस देनी आ, पा लै ते लै जा। सुन के जरा को हैरान होया भी कमाल होई। माता नूं ते चाहीदा सी दूजी वारी सुन के खड़ी हुंदी, बुक खोलदी, बड़े अदब दे नाल अंगूठी पकड़दी ते बड़ा सांभ के रख दे, बड़ी संभाल के रख दी अंगूठी नू भी माता नू ते इउं चाहीदा सी। तुरिया जांदा जिस पासे इशारा कीता जी, खूंजे जाके जदों अंगूठी रखन लगा हैरान हो गया भी जेड़ी अंगूठी हाथ विच पकड़ी है ओह जो कई अंगूठियां उत्थे पईयां ने जी जिन्हां दी गिणती कोई नहीं, गिणती कोई नहीं। हैरान हो गया, मुड़ के आके कहन लगा माता की गल, जो मैं अंगूठी लैके आया हूब हू एहो जिहियां अंगूठियां तेरी छन दे खूंजे किन्नियां पईयां ने, की राज है। हुण परमेश्वर दी ओह रचना ही ऐसी एहो जी सी माया की पसारे दी। ओह अगों माया माता कहन लगी सुन तू ते पहली बार आया है
तेरे राम चंद्र जी कई बार जन्म लेके आ चुके ने। एक कुदरत दी रचना ही ऐसी है, उहदे कई बार मेरे को सौदा लेके जा चुके ने, तू ही पहली बार आया उन्हां दा भेजिया। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਵਹਿਮ ਵੂਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਕੋਲ ਗਏ ਰਾਮ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ ਰਚਨਹਾਰ ਦੀ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੁਕਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੜ ਦੱਸ ਦਵਾ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੜ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਸ ਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਇਸ ਦਸ ਦੁਆਰੀ ਸਰੂਪ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਤਮਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਜੋਗ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸੰਜੋਗ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚ ਵਸ ਹੈ ਮਿਲ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਆਪ ਤੁਲੈ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਹਰੀ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਣਜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਕਾ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਕਾ ਉੱਤਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਗੜਾ ਸੜੌਲ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਛਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਕਮ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਪਦੇ ਨੇ, ਘਾਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਰੱਬੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ते नानक नाम सवारनहार जिस शरीर नू अकाल पुरख जी चाहुंदे ने नाम दे प्रताप सदका नाम दे जपन सदका एडा सवार देंदे ने कि उस शरीर नू दुनिया सन्मान देन लग पैंदी सत्कार देन लग पैंदी जां अथवा इस पंज भौतिक शरीर दे विच एहो जिहा नाम जपाउंदे ने रब दे प्यारियां दे पासों वाहिगुरू जी आप ही कि नानक नाम सवारनहार कि रब्बी प्यारे अपना ये लोक भी सवार लैंदे ने परलोक भी सवार लैंदे ने ते जिहड़ा भी कोई ऐसे रब्बी प्यारे दी शरण विच आउंदा है उहदा भी आत्मिक जीवन निखार देंदे ने ऐसी दया दृष्टि वरताउंदे ने सतगुरु जी अकाल पुरख जी इत्थे भाई विश्राम देने विचारां करदे आ वाहिगुरु जी दी सिफत सलाह करदे आ बेअंत प्रकार दीआं गलतियां भुन्ना हो जांदियां ने संगत अर गुरु महाराज बख्शणियां जी आप तुलै आपे वण जार नानक नाम सवारनहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दोता गाव हो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या ना ही कर तेरा है करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या ना ही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाहिया कर सांत सुख मन आय वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु बिट हो जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुन हो संत हो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सब तित कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जन कौसे नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे अनंद सुनो बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।